हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग जो है कि ईवीएस सब्जेक्ट का क्लास थर्ड का जो है चैप्टर नंबर 12 करेंगे। चैप्टर का नाम है वर्क वी टू। इस चैप्टर में बच्चों को ये चीज़ समझाने की कोशिश की गई है कि जो बच्चे की जो कोई भी पिक्चर दिया हुआ हो तो उस पिक्चर को जो है कि बच्चे ऑब्जर्व करके और बता सकें कि उसमें उस पिक्चर के माध्यम से क्या चीज़ें दर्शाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो कि शायद लेट हो रहे हैं अपने स्कूल के लिए। यहाँ पे टीचर स्कूल जा रही है कि जो कि बहुत जल्दी में है। यहाँ पे एक लेडीज है जो कि फ्लावर्स को बेच रही है। ये जो है टी स्टॉल है और यहाँ पे ये बच्चा जो है सबको टी देता है। ये लेडीज है जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करती है। ये लेडीज यहाँ पे सफाई करती है। ये लोग कार से अपने ऑफिस जा रहे हैं। ये जो है ट्रैफिक पुलिस है जो कि यहाँ पे खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करता है। ये लेडीज और ये जेंट्स जो है कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये घर बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं। ये जो है मोची है जो कि अपने बैठ के यहाँ पे जूते वगैरह जिसके टूट जाते हैं वो बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कहानी के माध्यम से ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं। लाइक अदर डेज बालवीर रीच द टी स्टॉल आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट। हिज ब्रदर सतविंदर हु हैड कम फ्रॉम द विलेज वाज आल्सो विथ हिम। The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is today's newspaper." ठीक है? How do you spend whole day sitting here? Don't you get bored? Asked Satvinder. ठीक है? तो बालवीर जो है एक पर्सन है यहाँ पे, और जो है कि इसके साथ इसके गांव से आया हुआ इसका एक ब्रदर है जिसका नाम है सतविंदर। और वो सतविंदर पूछता है कि तुम यहाँ बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते दिन भर? तो वो कहता है यहाँ पे ओह नो। और फिर वो रोज़ बैठ के वहाँ पे जो भी देखता है वो बातें एक्सप्लेन कर रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, एक बहुत ही लुफ्त लेते हुए। वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाई। लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, एज यूजुअल दे आर लेट फॉर द स्कूल। एवरीवन इज रनिंग, द टीचर इज लेट। ओ इट सीम्स हर सैंडल हैज ब्रोकन। ऐसा लग रहा है कि टीचर का सैंडल टूट गया है। और यह जो मोची है उसका नाम है जग्गू भाई, तो लगता है कि उसको अर्ली मॉर्निंग कुछ मनी मिल जाएगी। ठीक है, जो उसके लिए अच्छा रहेगा। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन चिल्ड्रेन शुड बी गिवेन एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द पिक्चर। इट इज इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द स्किल ऑफ पिक्चर रीडिंग इन चिल्ड्रेन। ठीक है, तो बच्चों को जो है पिक्चर देख के और पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है ये ऑब्जर्व करने आना चाहिए। ठीक है, ये लेडीज है और ये डॉक्टर है, ये नर्स है मीन्स की, और ये डॉक्टर है जो कि हॉस्पिटल, ये प्लस के साइन से आपको समझ आ रहा होगा, ये हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ये जेंट्स और ये लेडीज जो है अलग अलग माध्यम से अपने सामान बेचने मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, बच्चे स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं इसलिए तेज़ी से दौड़ रहे हैं, और ये आदमी यहाँ पे वेजिटेबल बेच रहा है। ठीक है, तो बच्चों में पिक्चर देख के उसको ऑब्जर्व करने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए, इसलिए आप लोग जो है इस पिक्चर को देखिए और इसमें क्या क्या दिखाया गया है उसको ध्यान से समझिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है चंपा इज सिटिंग देयर विथ हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर। वो जो लेडीज बैठ के फ्लावर बेच रही है उसका नाम चंपा है। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाय फ्लावर फ्रॉम हर एवरी डे। ठीक है, तो जो लेडीज यहाँ पे मैंने दिखाया था कि पोस्ट ऑफिस जा रही है वो रोज ही दिन चंपा से फ्लावर खरीदती है। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड अगेन। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कोई नई बिल्डिंग बन रही है, ट्रक से जो है सामान लाया जाता है और
material and work it again by Vijay the whole day. Look there, the doctor and the nurses are entering the hospital together. See Ramulla with his fruit cart. This day he also brings Cinema and with him. Cinema runs around, deliver fruit and collect money. ठीक है, सिनेमा उसकी बेटी है या बेटा. नानो द बार्बर हैज लेड आउट हिज शॉप बट होम विल ही सेव. रामू जो, अरे नानू जो है ये बार्बर है जो कि बाल और दाढ़ी बनाता है. राइट इन द मिडिल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड इकबाल सिंह थ्रू आउट द डे. जो ट्रैफिक पुलिस है उसका नाम है इकबाल सिंह. वो ट्रैफिक के बीच में खड़ा है और वो दिन भर जो है विसिल अपनी बजाता रहता है और दिन भर चिल्लाता रहता है. हेयर एंड देयर हैव यू नॉट हेयर्ड मी टेक द कार्ट अवे. और वो ट्रैफिक को मैनेज करता है. सेइंग दिस बालवीर पुट डाउन हिज एम्प्टी कप एंड वॉक टू ए नियर बाय शॉप. ठीक है, और ये सब बातें करते हुए जो बालवीर है वो जो है अपने खाली हुए कप की चाय को, मीन्स की चाय ख़त्म हो गई है, वो जो है कि नियर बाय शॉप को मूव करता है. उसके बाद क्या होता है, एक्ट आउट व्हाट पीपल वुड डू एट क्रॉसिंग आर इन द वीकली बाजार. लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल. दूसरे लोगों के द्वारा क्या क्या काम किया जा रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि मेकिंग ए न्यू बिल्डिंग. ठीक है, सेलिंग द टी, सेलिंग द फ्लावर, रनिंग टू द पोस्ट ऑफिस, गोइंग टू द हॉस्पिटल, गोइंग टू द स्कूल बाय चिल्ड्रन, मेकिंग ऑफ शूज बाय बार्बर एंड इकबाल सिंह हु इज अ ट्रैफिक पुलिस एंड ही इज मैनेजिंग द ट्रैफिक देयर. ठीक है, तो पिक्चर में ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं. व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड डू, नेम एनी फाइव, व्हाट आर दीज वर्कर कॉल्ड. देखिए, हर पर्सन जो काम करता है उसके आधार पे उसका एक नाम दिया जाता है, व्हाट दे आर कॉल्ड, और वो क्या करते हैं. रिपेयर कार, सैंड, स्कूटर्स, तो उसको मैकेनिक. ठीक है, तो आपके नेबरहुड में जो भी मार्केट है वहाँ पे जो है कि आपकी गाड़ियाँ बिगड़ जाती हैं तो आप वहाँ लेके जाते हैं रिपेयर करने के लिए. तो जिनसे हम ठीक कराते हैं उनको हम मैकेनिक बोलते हैं. उसी तरह से जो लोग हमारा शूज बनाते हैं उनको हम कॉबलर बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉबलर. ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे जो जिनसे हम बाल या दाढ़ी बनवाते हैं वो हो जाएंगे बार्बर. ठीक है, तो यहाँ पे हम बार्बर लिख देंगे. यहाँ पे जो फ्लावर बेचते हैं तो उनको लिख देंगे माली. ठीक है, यहाँ पे माली लिख देंगे. फिर यहाँ पे कुछ वर्क जो है मैनेजिंग द ट्रैफिक, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रैफिक पुलिस. केयरिंग ऑफ हेल्थ, हेल्थ केयर किसके द्वारा किया जाता है, डॉक्टर्स के द्वारा. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है. तो यहाँ पे दिया हुआ है इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द लेसन सम बिल्डिंग्स हैव बीन शोन, कुछ बिल्डिंग्स दिख रही हैं. इन द लिस्ट बिलो पुट ए रेड ऑन द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग, आल्सो पुट ए ग्रीन ऑन द येल्लो ऑन द नेम ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है, तो इस पिक्चर में आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं उस पर आपको रेड टिक करना है. ठीक है, तो जब हम जो है कि जब हम रेड टिक, तो पोस्ट ऑफिस दिख रहा है तो यहाँ पे हम रेड टिक कर देंगे. टेलीफोन बूथ, गवर्नमेंट ऑफिस दिख रहा है. धर्मस्थला, सिनेमा हॉल, पेट्रोल पंप, मॉल,
मोजिक हॉस्पिटल दिख रहा है तो रेड टिक कर देंगे, स्कूल दिख रहा है रेड टिक कर देंगे, चर्च पे रेड टिक कर देंगे, पुलिस स्टेशन पे, शॉप पे रेड टिक कर देंगे, मल्टी स्टोर बिल्डिंग पे रेड टिक कर देंगे, बस स्टैंड, बैंक, गुरुद्वारा, तो जो जो चीज़ें इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है उसको रेड टिक करेंगे और बाकी को जो है ग्रीन करेंगे। खैर यहाँ पे मेरे पास ग्रीन ही था तो मैंने ग्रीन ही कर दिया है। राइट द नेम ऑफ एनी 5 बिल्डिंग एंड द वर्क डन इन। देखिए जो लोग जो काम करते हैं उनके बेसिस पे उनका एक पर्टिकुलर एक कॉमन नेम होता है। जैसे डॉक्टर होते हैं तो वो जो है लोगों के हेल्थ का केयर करते हैं, ठीक है, तो उनका नाम डॉक्टर है। ठीक उसी तरह से बिल्डिंगों के साथ भी है, जो बिल्डिंग में जो काम होता है उसके आधार पे उस बिल्डिंग का नाम, जैसे हॉस्पिटल है एक कॉमन नेम है, ठीक है, और यहाँ पर ट्रीटमेंट किए जाते हैं पेशेंट्स की, बच्चों की वैक्सीनेशन मीन्स की हेल्थ केयर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिंक देंगे पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है लोगों के मैसेज को, लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ लिख देते हैं बैंक, तो बैंक में क्या होता है देश बैंक में जो है लोगों की मनी को, पैसे को सुरक्षित रखा जाता है, गहने को सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं बार्बर शॉप, तो बार्बर शॉप में क्या होता है कि बाल कटाए जाते हैं, ठीक है। ठीक वैसे यहाँ लिख देंगे पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पे क्या की जाती है, पुलिस स्टेशन में लोगों की देह रक्षा की जाती है, जो दूसरे लोगों से जो उनको परेशान करते हैं, ठीक है। इन द पिक्चर यू सॉ मेनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड ए न्यू बिल्डिंग, स्कूल इज आल्सो वन सच प्लेस वेयर मेनी पीपल वर्क, ठीक है। स्कूल भी एक प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ वर्क करते हैं। राइट व्हाट वर्क इज डन इन द स्कूल, तो स्कूल में क्या क्या वर्क होता है, अध्यापन मीन्स की टीचिंग होता है, मीन्स की पढ़ाया जाता है बच्चों को पढ़ाया जाता है और बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों के फ्यूचर का ध्यान रखा जाता है और जो है एक प्रोफेशन भी है ये, और यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। आर देयर एनी चिल्ड्रेन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग। इस पिक्चर में आपको कोई ऐसा बच्चा भी दिख रहा है जो कि स्कूल नहीं गया और वो कुछ और कर रहा है, तो हाँ जो जो फ्रूट सेलर है ना वो अपने बच्चे को लेके आया है और वह जो है फ्रूट जो है दूसरे जो लोग खरीद रहे हैं उनको जा के दे रहा है, ठीक है। हाउस होल्ड वर्क, दीपाली इज आल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल, लेट अस रीड अबाउट हर। दीपाली एक लड़की है जो कि स्कूल नहीं जाती है और वो क्या करती है, चलो उसके बारे में जानते हैं। दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली, दीपाली एल्डेस्ट चाइल्ड है, सबसे बड़ी है। हर फादर सेल, उसके फादर वेजिटेबल सेल करते हैं और वो जो है मंडी में सब्जियों को बेचने, वेजिटेबल्स को बेचने अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं। उसकी मदर जो है वाशेज स्टेंसिल इन सम हाउसेज, उसकी माँ जो है कुछ घरों में बर्तन धोती है। सी आल्सो लिव्स, अगर वो भी सुबह सुबह चली जाती है लोगों के घरों में बर्तन धोने, ठीक है। दीपाली कुक फूड फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर, दीपाली जो है खाना बनाती है अपने छोटे भाई बहन के लिए। सी क्लीन्स द हाउस हु वाशेज, ठीक है, एंड वाशेज यूटेंसिल, वो दीपाली क्या करती है घर में अपने छोटे भाई बहन के लिए खाना बनाती है और बर्तन धोती है। सी इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग, और उसको रेडियो सुनना बहुत पसंद है और इसलिए वो रेडियो पे गाना सुनती रहती है जब वो काम करती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट द होम सी गोज टू लीव हर ब्रदर, जब वो अपना काम ख़त्म कर लेती है तो वो अपने ब्रदर को अपने फादर के पास जाके छोड़ के आती है। द सी देन टेक हर यंग सिस्टर सुमन एंड सैला टू स्कूल, और उसके बाद वो अपने बहन को ले जाके स्कूल छोड़ती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प हर मदर इन हर वर्क, और उसके बाद दीपाली जो है कि अपने माँ की मदद करती है उसके घर के कामों में। इन द आफ्टरनून सी ब्रिंग हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम, दोपहर में वो अपने ब्रदर को और सिस्टर को घर पे लाती है, और इवनिंग के टाइम पे सी प्ले विद द चिल्ड्रेन इन द नेबरहुड, और शाम के टाइम पे वो अपने घर के आसपास जो बच्चे उनके साथ खेलती है। हर मदर कम्स बैक
होम लेट इन द इवनिंग, उसकी माँ शाम में लेट घर आती है। दीपाली हेल्प हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली, दीपाली उनकी मदद करती है फैमिली के लिए डिनर बनाने में। हर फादर कम होम वेरी लेट नाइट, एट द नाइट दीपाली लव टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर स्कूल्स बुक। सी हैज स्टडीड अप टू क्लास 3 ईयर्स बैक। वेन हर लिटिल ब्रदर वॉज बॉर्न सी हैड टू स्टे बैक होम टू टेक केयर ऑफ हिम। वो क्लास में 3rd क्लास तक पढ़ी है और उसके बाद जो है उसको अपने ब्रदर के देखरेख के लिए घर पे रहना पड़ा। सी कुड नॉट स्टडी एनी मोर, वो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकी। सी फील्स दैट रीडिंग बुक हेल्प हर टू रिलैक्स, उसको ऐसा लगता है कि बुक पढ़ के उसके बहुत उससे अच्छा फील होता है। गिव ए चांस इवन टूडे सी वुड लाइक टू गो बैक टू स्कूल, अगर उसको मौका दिया जाए तो वो फिर से स्कूल जाने को तैयार हो जाएगी। व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस, तो दीपाली जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दीपाली जो है अपने घर में क्या क्या काम करती है। तो दीपाली जो है कि खाना बनाती है, बर्तन धोती है अपने घर में, अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखती है, अपनी बहन को स्कूल छोड़ के आती है और स्कूल से फिर ले के आती है, और जो है कि अपने मदर की हेल्प करती है डिनर बनाने में। ठीक है, डू यू आल्सो डू हाउस होल्ड वर्क इफ यस व्हाट, ठीक है, क्या आप भी अपने घर में कुछ काम करते हैं और क्या करते हैं, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, से घर की क्लीनिंग में मदर की हेल्प करते हैं। बिसाइड हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम इफ यस व्हाट, अब जो है हाउस घर के कामों को छोड़ के और भी कुछ काम करते हैं तो उसको यहाँ लिखिए। ठीक है, गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज, शो ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक एट व्हाट टाइम द डे यू डू यू टू देम। ठीक है, वेक अप इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में 6 o'clock तक तो सभी उठ जाते हैं गो टू स्कूल। तो कोई बच्चे 7 o'clock पे जाते हैं, कोई 8 o'clock पे जाते हैं, कोई 9 o'clock पे जाते हैं रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, तो कोई बच्चे 4 बजे तक आ जाते हैं, कोई बच्चे 3 बजे तक आ जाते हैं, कोई बच्चे 5 बजे तक आ जाते हैं। उसके बाद सिट डाउन टू स्टडी एट होम, वो घर पे पढ़ाई के लिए शाम को 7 बजे बैठ जाते हैं। गो टू प्ले, घर में बाहर खेलने के लिए इवनिंग में 6 o'clock पे, स्लीप एट नाइट जो है 10 o'clock पे सो जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर डू हाउस होल्ड वर्क, व्हाट वर्क डू दे डू दे डू फैमिली मेम्बर वर्क दे डू, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं फादर तो वर्किंग इन ऑफिस एंड अर्निंग मनी, यहाँ पे मदर तो यहाँ पे लिख देंगे मेकिंग फूड, क्लीनिंग हाउस एंड टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रेंस। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर वर्क टू अर्न मनी, तो फादर फैमिली मेम्बर वर्क दे डू। ठीक है, विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट, तो मदर जो होती है सबकी, वो घर में बहुत सारा काम करती है लेकिन उसके लिए वो मनी नहीं लेती है। द मैसेज दैट शुड इन इमर्ज थ्रू द डिस्कशन इज दैट ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, नो वर्क इज बेटर आर हो वर्स देन एनी अदर। दे वेन टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ फैमिली मेम्बर इफ देयर इज एनी जेंडर बायस, डिस्कस द रीजन फॉर द सेम। Find out from your grandparents that what work they did when they are children. आप अपने बड़ों से घर में जो दादा दादी हैं उनसे बात कर सकते हैं कि जब वो बच्चे थे तो क्या काम करते थे। श्रमा आस्ट हर ग्रैंड मदर नानी द सेम क्वेश्चन, नानी रिप्लाइड व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड आई वुड हेल्प माई एल्डर टू कलेक्ट फायर वुड, मेक काउंटिंग केक, प्लास्टर वॉल विथ काउडंग, बट नाउ वी हैव ए स्टोव दैट वर्क ऑन गोबर गैस, द फ्लोर एंड द वॉल ऑफ द हाउसेज आर सीमेंटेड, देयर इज नो नीड फॉर शर्मा टू डू सम ऑफ द जॉब दैट आर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड।
You had written about the work you do and the work done by your elder in their childhood. Is there a chance Dipali had to leave school to do household work? Find out if there are any children in your neighborhood who are over 5 years and do not go to school. Talk to any 2 children and find out why they do not go to school. ठीक है, आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि स्कूल नहीं जाते होंगे और उसका रीज़न क्या है, आप उनको उनसे बात करके जानना चाहिए. नेम ऑफ़ द फर्स्ट चाइल्ड, नेम ऑफ़ द सेकंड चाइल्ड, रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, वह क्यों स्कूल नहीं जाता यहाँ पे लिखना है. तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है. ठीक है, जैसे दीपाली ने स्कूल छोड़ दिया था क्यों, क्योंकि उसको हाउस होल्ड जो वर्क है उसमें उसको करना पढ़ा था मजबूरी में, तो इसलिए वो नहीं किए. इसी तरह से कोई बच्चे जो है फीस नहीं होते, जैसे कि उनके पास मनी नहीं होती है कि स्कूल फी भर सकें, इसलिए भी नहीं जाते हैं. सबके पास अपना अलग अलग रीज़न रहता है. तो बच्चों, अब तक अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. ठीक है, इसी तरह के और भी वीडियो मैं लेके आती रहूँगी जो कि आपको पढ़ाई में बहुत ही मददगार साबित होंगे. धन्यवाद.